Hello students, today I am going to continue your next topic, that is file system, which is on page number 89. Whether it is at home, office or even your desk at school, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका office हो, चाहे आपके school का आपका bench हो, a systematic method of storing things will always help you to save time and energy. अगर किसी भी काम को हम systematic तरीके से करें या किसी भी चीज़ को हम systematic तरीके से store करें तो हमारा टाइम भी बचता है और हमारी एनर्जी भी बचती है. स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन योर कंप्यूटर इज़ सिमिलर टू स्टोरिंग योर ड्रेसेस इन अ वार्डरोब इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना बिल्कुल उस तरीके से जैसे आप अपने अलमारी में अपने कपड़ों को स्टोर करके रखते हो. टू स्टोर योर क्लॉथ यू मे पुट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ इन सेपरेट ड्रॉअर्स. आप अपने कपड़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या करते हो, अलग अलग तरीके के कपड़ों को अलग अलग लाइन में आप सेपरेट करके अलग अलग लाइन में रखते जाते हो. इफ़ यू पुट एवरीथिंग इन टू वन ड्रॉअर यू विल एंड अप वेस्टिंग टाइम इन फाइंडिंग द रिक्वायर्ड ड्रेस. अगर आप सारे के सारे कपड़ों को अलमारी में ऐसे ठूस के रख दोगे, एक साथ मिक्स करके रख दोगे, अगर आपको बाद में किसी कपड़े को ढूंढने की जरूरत हो आप ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे. ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 90 पर. तो चलते हैं हम पेज नंबर 90 पर. फाइल्स आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन कंप्यूटर. इसी तरीके से जो फाइल्स हैं हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को फाइल के रूप में स्टोर कर देते हैं. अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन को अलग अलग फाइल में स्टोर कर देते हैं. इफ़ यू सेव फाइल्स रैंडमली दिस विल वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी टू सर्चिंग दैम. अगर आप सारी की सारी फाइल्स को सारे के सारी इन्फॉर्मेशन को एक ही फाइल के अंदर भर दोगे तो आप उसमें इन्फॉर्मेशन को ढूंढोगे तब आपका टाइम भी वेस्ट होगा. द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेज द डाटा इन सच अ वे दैट सो दैट इट इज़ ईजी टू स्टोर एंड फाइंड. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, डाटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है कि आप उसको आसानी से स्टोर कर सकते हो और आसानी से उसको ढूंढ सकते हो. ठीक है, तो इसे हम क्या किसके हेल्प से करते हैं, फाइल सिस्टम की हेल्प से करते हैं. तो फाइल सिस्टम क्या है, फाइल सिस्टम डिफाइन द वेज इन विच फाइल्स आर नेम्ड एंड वेयर दे आर प्लेस लॉजिकली फॉर स्टोरेज एंड रिट्रीवल. फाइल सिस्टम क्या है, फाइल को किस तरीके से आप नाम दोगे और कहाँ पर उसको स्टोर करोगे, कैसे उसको निकालोगे, एक तरीका आपको फाइल सिस्टम प्रोवाइड करता है. ईच ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे वो डोज हो, चाहे विंडोज हो, यूनिक्स हो, मैकिंटॉश हो, हैज़ इट्स ओन टाइप ऑफ फाइल सिस्टम. कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उनका सबका अपना अपना फाइल सिस्टम होता है. ठीक है, और इसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे स्पीड, फ्लैक्सीबिलिटी, सिक्योरिटी, साइज एंड काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन. ठीक है, तो इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है. ठीक, जैसे कि स्पीड, फ्लैक्सिबिलिटी, सिक्योरिटी, साइज़. ठीक है, ये क्या है, इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़. मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हायरार्किकल फाइल सिस्टम वेयर एक्सेस टू द डाटा स्टार्ट एट द टॉप एंड प्रेसिडेंस डाउनवर्ड थ्रू आउट द लेवल्स ऑफ हायरार्की. हायरार्की में क्या होता है, पहले एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट फर्दर टू पॉइंट्स में डिवाइड होता है, आगे वो पॉइंट्स आगे और किसी पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, हायरार्की. तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है फाइल्स को एक हायरार्की सिस्टम की तरह स्टोर करता है. क्या रोल्स है फाइल सिस्टम के, वन बाय वन हम फाइल सिस्टम के रोल पढ़ेंगे. फाइल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बड़े ध्यान से सुनना है. द फाइल सिस्टम द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और सिंपली फाइल सिस्टम इज द लेयर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द स्टोरेज ऑफ डाटा. फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है, सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है जो क्या करता है, डाटा को मैनेज करता है, डाटा को ऑर्गेनाइज करता है. क्या क्या काम करता है, स्टोरेज, नेविगेशन, ऑपरेशन, सिक्योरिटी, सर्च. तो पहला काम बढ़ेंगे स्टोरेज. ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर टू स्टोर फाइल इन फोल्डर विद प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन. ये क्या करता है, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसमें आप फाइल्स को स्टोर कर सकते हो. इट आल्सो इंक्लूड परफॉर्मिंग रिलेटेड टास्क लाइक मेंटेनिंग बैकअप्स और रिड्यूसिंग डुप्लीकेशन. और क्या क्या काम करता है, ये बैकअप भी आपको प्रोवाइड करता है और डुप्लीकेशन को भी ये खत्म करता है. सेकंड पॉइंट है नेविगेशन. टू एक्सेस द फाइल वी हैव टू गो टू द फोल्डर वेयर द सिस्टम हैज स्टोर्ड द फाइल. फाइल सिस्टम हैज अ नेविगेशन सिस्टम दैट अलाउ द यूजर टू गो थ्रू द फाइल हायरार्की टू द लेवल वेयर दे कैन फाइंड देयर फाइल. नेविगेशन क्या करता है, आप फाइल को ढूंढने के लिए पर्टिकुलर किसी फोल्डर को ढूंढने के लिए उसकी फाइल पर आप लाइन बाय लाइन स्टेप को फॉलो करके जा सकते हो और अपनी फाइल को आसानी से ढूंढ सकते हो. थर्ड ऑपरेशंस. ऑपरेशंस फंक्शन लेट द यूजर इंटरेक्ट विद द फाइल. जिसका ऑपरेशन फंक्शन है उसके हेल्प से यूजर क्या कर सकता है, अपनी फाइल को यूज कर सकता है. द कॉमन ऑपरेशन फंक्शंस आर ओपन, सेव, क्लोज, कॉपी, मूव, डिलीट, रीनेम, न्यू, प्रिंट एंड शेयर. तो ये सारे काम वो अपनी फाइल के साथ यूजर कर सकता है. ठीक है, सिक्योरिटी. द सिक्योरिटी एस्पेक्ट डिफाइन द एक्सेस इन डाटा इंटीग्रिटी रूल. सिक्योरिटी क्या करता है, डाटा इंटीग्रिटी रूल मतलब डाटा को आप किस तरह से यूज कर सकते हो, उसमें क्या रूल्स रेगुलेशन लगा सकते हो, वो सिक्योरिटी की हेल्प से आप कर सकते हो. यू कैन स्पेसिफाई
या यूज़र नेम एंड पासवर्ड। आप यूज़र नेम बता सकते हो, पासवर्ड बता सकते हो। अगर आप करेक्ट पासवर्ड भरोगे तभी आप उस फाइल को यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप उस फाइल को यूज़ नहीं कर सकते। इस तरीके से आपके फाइल को कोई भी आसानी से चेंजेस नहीं कर सकता, ना ही कोई आपकी फाइल को डिलीट कर सकता है, ना ही कोई अनऑथराइज उसके अंदर चेंजेस, जिसको अधिकार नहीं है आपकी फाइल को यूज़ करने का उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकता। सर्च, इट इज़ यूज टू सर्च द फाइल नेम्स टू फाइंड अ पर्टिकुलर फाइल। सर्च ऑप्शन की हेल्प से आप फाइल को आसानी से ढूंढ सकते हो। आपने क्या करना है, पूरी फाइल का नाम लिख दो या कुछ वर्ड्स लिख दो, तभी वो आपकी फाइल को कंप्लीटली ढूंढ कर देगा। आगे व्यूज फाइल्स एंड फोल्डर्स, किस तरीके से आप फाइल्स और फोल्डर को देख सकते हो। विंडो प्रोवाइड मैनी वेज टू अरेंज एंड आइडेंटिफाई योर फाइल्स वेल यू आर व्यूइंग देम। विंडो क्या करता है, आपको अलग अलग तरीके प्रोवाइड करता है। जब आप अपने फाइल को देख रहे हो तो आप किस तरीके से अपनी फाइल को देख सकते हो। लाइक यहाँ पर देखो, आपके पास ये डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें क्या है, आप अपनी फाइल को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, एक्स्ट्रा लार्ज में आपकी फाइल है बड़े बड़े साइज में नजर आएगी, लार्ज आइकन में उसे थोड़ा छोटा साइज होगा, मीडियम में उसे छोटा साइज होगा, स्मॉल में उसे और छोटा साइज होगा। लिस्ट, लिस्ट में लिस्ट बन जाएगी फाइल्स की, डिटेल उसमें डिटेल भी आ जाएगी, टाइल्स एक छोटी सी फोटो, फिर टाइल्स आ जाएगी, कंटेंट आपके फाइल के पूरा कंटेंट भी वहाँ पर शो हो जाएगा लिमिटेड रूप में। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को अलग अलग तरीके से व्यू कर सकते हो, ठीक है। पेज नंबर 91 पर भी देखिए, अभी मैंने पेज नंबर 90 पे आपको सर्कल लगा के समझाया था कि एक्स्ट्रा लार्ज आइकन में कैसे नजर आएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आपके पास गिवन है, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन में आपकी जो फाइल्स का साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल आइकन बता रखा है, लिस्ट बता रखा है, मीडियम बता रखा है, वन बाय वन वही एक्सप्लेनेशन इसके अंदर लिखी हुई है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। तो पेज नंबर 91 पर सेम है, हम टाइल्स और कंटेंट यहाँ पर देख लेंगे। टाइल्स, इट डिस्प्ले फाइल्स एंड फोल्डर एज मीडियम साइज आइकन, इसमें जो साइज़ का आइकन का जब वो मीडियम हो जाएगा। इट आल्सो डिस्प्ले द बेसिक इन्फॉर्मेशन, ध्यान से सुनना ये, इसके साथ साथ छोटी सी उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करता है, जैसे फाइल का साइज क्या है, फाइल की टाइप क्या है। कंटेंट, इट डिस्प्ले ईच फाइल्स एंड फोल्डर इन ए सेपरेट रो अलॉन्ग विद देयर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या करता है, हर एक फाइल की अलग अलग रो बना देता है और उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देता है, जैसे डेट, मॉडिफाइड, कब उसमें चेंजेस किए गए, साइज क्या है, इसका ऑथर कौन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है। लेट्स नो मोर है, ओरिजिनली विंडोज 7 वाज नेम्ड एज ब्लैक कॉम विच वाज रीनेम्ड एज वाइना इन अर्ली 2006। और विंडोज 7 का पुराना नाम क्या था, ब्लैक कॉम, जिसको बाद में रीनेम किया वीना ने 2006 में इसको नाम दिया। इन 2008 इट वाज अनाउंस दैट विंडोज 7, 2008 में इसका नाम दिया गया विंडोज 7 वुड बी द ऑफिशियल नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑफिशियल नेम है। क्लियर है, तो ये आपका पेज नंबर 91 भी आज कंप्लीट हो गया।